तेरा भी बुरा वक्त आएगा। हसी जहां ने अतीक के बहाने किसको कोसा। सोशल मीडिया पर क्यों मचा है बवाल। हसी जहां एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया के जरिए वो मोहम्मद शमी पर आरोप लगाते रहती हैं। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। उनके इस पोस्ट में अतीक अहमद की मौत के बारे में लिखा गया है। साथ ही इस पोस्ट में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो काफ़ी कुछ इशारा कर रही है। हसीन जहां के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने से पहले उस पोस्ट के कुछ हिस्से को देखते हैं। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हसीन जहां ने लिखा है, अतीक अहमद के भी बहुत फैन सपोर्टर था, पैसा पावर भी था, कुछ काम नहीं आया, मौत के घाट उतार दिया गया, फैन और सपोर्टर ने क्या कर लिया। इसीलिए औरतबाज, लालची, क्रिमिनल को भी याद होना चाहिए। पैसे से न्यूज़ चैनल को खरीद कर खुद की गुनाह को छुपाया जा सकता है, लेकिन खुद से कैसे छुपाएगा, खुद के कर्म अल्लाह से कैसे छुपाएगा। कब तक मेरे वकीलों को खरीदेगा, कब तक जज मैनेज करेगा, तेरा बुरा वक्त भी आएगा, फिर देखूंगी कौन फैन और कौन कौन तुझे बचाता है। इतिहास गवाह है, क्रिमिनल्स को सजा तुरंत नहीं मिलती है, ज़्यादा बुलंदी देते हैं, अल्लाह ताला रस्सी ढीली छोड़ देते हैं। कहावत है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, और सजा जब मिलती है तो उसका ठिकाना कब्र या जहन्नुम होता है। मेरा बुरा वक्त जो तूने क्रिएट किया था, मेरे अल्लाह ने इसे बहुत अच्छे से गुजार दिया, अब देखना तेरा है। इसके अलावा हसीन जहां ने और भी काफ़ी कुछ लिखा है। 20 अप्रैल को हसीन जहां ने ये पोस्ट डाला है, जिसके बाद सोशल मीडिया के यूजर्स का मानना है कि उनके निशाने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ही हैं। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने उनको सलाह दी है कि ये घर का मामला है, उसे घर में ही सुलझाएं। सोशल मीडिया के यूजर्स के इस कयास लगाने के पीछे दोनों की खराब रिश्ते और पोस्ट पर लिखे शब्द हैं। कुछ का मानना है कि हसीन ने अपने इस पोस्ट में जो कुछ लिखा है वो ये सब पहले भी कह चुकी है। इस बार अतीक की मौत के बाद बस उसकी तुलना की गई है। बता दें 2014 में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन काफ़ी अनबन के बाद दोनों अलग हो गए थे। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर मारपीट के आरोप लगाए थे, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। फिलहाल हसीन जहां अपनी बेटी के साथ अलग रहती हैं, वहीं शमी उन्हें गुजारा भत्ता के रूप में हर महीने 50,000 रुपया देते हैं। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।